समय था कि जब वो किरणमयी लटड़ी का भेष बनाकर राजा अकबर के दरबार में खेल दिखाती है। राजा खेल को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांग लटड़ी, तुझे क्या चाहिए। हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है किरणमयी, कहने लग जाती है कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा चोर चाहिए जो कि आपके दरबार में है। राजा कहते हैं कि तेरा चोर और वो भी मेरे दरबार में। तो वो लटड़ी उस शेर खान की तरफ इशारा कर देती है। ये नजारा देख शेर खान बड़ा आग बबूला हो जाता है और कहता है कि महाराज चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं, मैंने तो आज से पहले इस लटड़ी की शान शकल तक नहीं देखी। और वहां राजा अकबर के सामने किरणमयी और शेर खान के आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं सुनिए भला। Okay.
मोर किरण मई न करया महल में ठहरण का इंतजाम मेरा बेईमान नटड़ी झूठा चोरी काल नाम मेरा बेईमान नटड़ी झूठा चोरी काल नाम मेरा हो जान जगा चोरी मेरी जान जगा चोरी मेरी आपने इमदाद कर दी लुंगाड़े लफंगे ने फिर गंगा जी में गाद कर दी शेर खाने आहा शेर खाने और शेर खाने पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी शेर खाने पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी ओ मेरा दुख सीमा से बार हार कईब कड़ारे आप से फंसाने की कोशिश कर रही है और इतिहास इतिहास इस बात का गवाह है कि इन औरतों ने मर्दों को फंसाने के सिवा किया ही क्या है। क्या कहा शेर खान? हाँ नटनी, मैंने तेरे पे इल्जाम लगाया है? हाँ नहीं तो ले सुन। जहान इसकी खूबों में भी कसम खुदा की मैं ना देखी शान इसकी बादशाह सलामत बुद्धि वहम मैं फिलहाल इसकी बादशाह सलामत बुद्धि वहम मैं फिलहाल इसकी भक्तों के ही माटी साथी भक्तों के ही माटी साथी होता यो जुबान देखा देखी को न सकल मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा देखी को न सकल मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा ओ या किरण मई सरे जाती है किरे शेर खान कि तूने आज से पहले मेरी शक्ल तक नहीं देखी, जब शक्ल तक नहीं देखी तो फिर पाई जान पे तिल का निशान कैसे देख लिया। और हाँ मैं उसी पृथ्वी सिंह की पत्नी किरणमयी हूँ, सारा सच राजा के सामने आ जाता है और वो राजा अकबर किस प्रकार से क्या इंसाफ करते हैं। क्या कहा?
क्या बताया? पृथ्वी सिंह ने पृथ्वी सिंह ने पृथ्वी सिंह